हे हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ एस गेमिंग यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों का दोस्त साहिल और लेके आ चुका हूँ गाइज आप लोगों के लिए एक नया और मज़ेदार वीडियो। सो गाइज आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ओपी और मज़ेदार होने वाला है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो गाइज, हमारा जो नया करेक्टर आया गाइज वुल्फ्रा और उसका वर्सेस करवाने वाले गाइज हम लोग डीजे आलोक कैरेक्टर के साथ। तो गाइज फैक्ट्री फीस फाइव चैलेंज होने वाला है, 4v4 देख सकते हो, 4 वुल्फ्रा। देखते हैं वुल्फ्रा में कितनी ताकत है भाई, क्या वुल्फ्रा डीजे आलोक को हरा सकता है या फिर कौन जीतता है गाइज। बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है गाइज इस वीडियो में। तो इस वीडियो का लाइक 10,000, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 3 सेकंड का काउंटडाउन कर रहा हूं, देखते हैं आप 3 सेकंड के अंदर वीडियो को लाइक कर पाते हो कि नहीं। तो 1, 2, 3, तो आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दे रहा है यार। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो में, वुल्फ्रा वर्सेस डीजे आलोक फैक्ट्री फीस फाइट चैलेंज। तो चलो यार वीडियो को फिर स्टार्ट कर देते हैं। और इस वीडियो में आप लोग के लिए 10 डीजे आलोक कैरेक्टर का गिव अवे भी है, तो यार वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको आलोक जीतना है। चलो गाइस, तो गाइस सबसे पहले होने वाला था लीडर वर्सेस लीडर। वुल्फ्रा का लीडर आ चुका था गाइस सामने और मैं था डीजे आलोक कैरेक्टर का लीडर। तो लीडर वर्सेस लीडर होने वाला है सबसे पहले। तो चलो गाइस वुल्फ्रा का लीडर आ चुका है गाइस, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया फाइट चल रही है गाइस, बहुत ही ओपी तरीके से। एक हेडशॉट दिया 110 का हेडशॉट दिया मैंने और मेरे को भी बॉडी डैमेज पड़ा। ओ भाई मेरे को फिर से, ओ भाई एक और हेडशॉट के साथ मैंने जो है यहाँ पर डाउन कर दिया था यार वुल्फ्रा के कैरेक्टर को, वुल्फ्रा के लीडर को। तो भाई यहाँ पर जो एक पॉइंट आ चुका था डीजे आलोक के पास। और आप लोग कौन सी टीम की तरफ हो, वुल्फ्रा की तरफ हो या डीजे आलोक की तरफ, कमेंट करके जरूर बता दो अभी के अभी, ठीक है। तो चलो गाइज अब मेरा छोटा भाई जाने वाला था आलोक की तरफ से, देखते हैं गाइज आलोक वाले जीतते हैं कि, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, लड़का रिवॉर्ड दिखा रहा है बहुत ही खतरनाक वाला। तो गाइज यहाँ पर जो वुल्फ्रा का बंदा आ चुका था, देखते हैं गाइज वुल्फ्रा वाले क्या करेंगे। ये कौन आ रहा है साला बीच में बता, चिमकांडी साले। चलो देखते दोनों को फाइट दिखा रहा हूँ मैं वो। अरे भाई मेरे भाई ने भी डाउन कर दिया था गाइज वुल्फ्रा कैरेक्टर के दूसरे बंदे को। तो चलो गाइज 2 पॉइंट आ चुके थे गाइज हम आलोक वालों के पास। क्या बात है भाई साहब, क्या इमोट दिखा रहे भाई, ओपी भाई ओपी ओपी ओपी, बहुत ही ओपी तरीके से। चलो अपना अगला बंदा जाएगा, अभी अगला बंदा जाएगा। चल भाई चल चल अगले बंदे, चल जल्दी से चल, इमोट दिखा रहा है चिमकांडी नूबड़े साले, जल्दी आ जा, हाँ तेरी बारी है, जल्दी आ जा नूबड़े, चल चल फाइट कर। अबे नूबड़े फाइट कर, मेरे को लग रहा है ये हरवाएगा साला चिमकांडी, ये पॉइंट हरवाएगा साला, हमको हरा देगा ये चिमकांडी साला। चल चल मार मार मार, हारना नहीं है नूबड़े चिमकांडी, हारना नहीं है, आलोक का नाम रखना हम लोग को, ये नया कैरेक्टर आके हमारे आलोक का नाम नहीं बिगाड़ सकता। जल्दी मार मार मार, खोपड़ी फोड़ साले की, खोपड़ी फोड़ चड्डी उतार दे चिमकांडी की। ओ भाई इसको पड़ रही है चड्डी उतार चिमकांडी की, उतार मार साले को, मार चिमकांडी को, मार जल्दी मार। अरे गया, बोला था गाइज मैंने, बोला था ये चिमकांडी जो है बेइज्जती करवाएगा, ये चिमकांडी चड्डी उतरवा के रहेगा गाइज, ये चिमकांडी जो है ना हमारी चड्डी उतरवा के रहेगा, चड्डी में छेद करवा देगा, चड्डी बिकवा देगा। चलो गाइज हमारे जो चौथे बंदे का जो है नेटी चला जा चुका था, इसलिए मेरे को आना पड़ा लीडर वर्सेस लीडर के लिए। और यहाँ पर जो इस बार वुल्फ्रा का लीडर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था भाई, जाते ही मेरे को डाउन कर दिया गाइज यहाँ पर, बहुत ही गंदे तरीके से जो है मेरे को यहाँ पर डाउन कर दिया था, हिलने का भी मौका नहीं मिला था। तो वुल्फ्रा वाले अभी जो काफ़ी गुस्से में आ चुके थे, ठीक है। तो अभी मेरा भाई जा चुका था फिर से गाइस फाइट करने के लिए, देखते हैं गाइस क्या होता है। तो उसने अपना आलोक का एबिलिटी यूज़ कर लिया था, क्योंकि आलोक हम आलोक के गाइस हम। ओ भाई इसको भी डाउन कर दिया गाइस, बहुत ही खतरनाक तरीके से जो है वुल्फ्रा वाले जो खतरनाक वो दिखा रहे, भाग भाग साले चिमकांडी इधर के आ रहा है, चिढ़ा रहा है हम लोग को, चिढ़ा रहा है, भाग 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 डाउन कर दिया था गाइस इनके जो यहाँ पर बंदे को डाउन कर दिया था। और गाइस ये छविया जो हमारी रेफरी थी गाइस देख सकते हो, ये मेरा दोस्त भाई ठीक है, ये लड़की वो बन के आया था गाइस, तो यहाँ पर ये जो है रेफरी है गाइस, यहाँ पर देख सकते हो गाइस हम लोग जो यहाँ पर बीच में हंस रही है, ठीक है। उनके उसको बंदे को डाउन कर दिया गाइस वहाँ पर, ठीक है, बहुत ही ओपी तरीके से। और फिर से डाउन कर दिया गाइस जिस बंदे ने, तो मस्ती कर रहा था गाइस ये वाला बंदा, क्योंकि हमारा एक बंदा तो जो उसका तो नेट ही जा चुका था, वो तो हिल भी नहीं रहा था। और जो छमिया ने भी वहाँ पर डाउन कर दिया, रेफरी ने भी उनको तंग करना शुरू कर दिया था गाइस। अभी देखना अभी क्या लोल होता है रेफरी के साथ गाइस, सारे के सारे वुल्फ्रा जो चढ़ जाते हैं रेफरी पे और रेफरी को खत्म कर देते हैं गाइस, देख सकते हो सारे के सारे जो वुल्फ्रा गुस्से में आके गाइस रेफरी पे चढ़ के गाइस रेफरी को खत्म कर देते हैं पूरा का पूरा मार के। तो बहुत ही लोल हो गया था गाइस यहाँ पर। तो अभी अपने अगले बंदे की बारी थी फाइट करने की, देखते हैं गाइस क्या होता है। यार उसके साथ तो लॉली कर दिया है चमिया के साथ, तो बेचारे से एक को उसको डाउट किया, चारों ने मिलके मार दिया है, चढ़ चढ़ के मारा यार, क्या बोले गाइस लॉल हो गया था। अभी फाइट कर चिमकांडी, ये चिमकांडी फाइट क्यों नहीं कर रहा भाई, जल्दी फाइट कर यार, इधर उधर घूम रहा है साला चिमकांडी, होता कुछ नहीं इस चिमकांडी से, फाइट कर फाइट कर फाइट कर भाई, पड़ी खाया खाया भाई ये तो, खाया गया है चिमकांडी, मेरे को लग रहा है मरेगा ये चिमकांडी, मरेगा, नाम डुबाएगा ये चिमकांडी, हमारे आलोक का नाम डुबाएगा। लेकिन वुल्फ्रा वाले भी काफ़ी बढ़िया गेम प्ले दिखा रहे यार, वैसे वुल्फ्रा वाले भी काफ़ी मस्त खेल रहे। अरे हट जाओ ये वुल्फ्रा कौन है, ये चिमकांडी साला बीच में बार बार आ रहा है। और देखते 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 क्या करेगा ये, देखते मार 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 चिमकांडी मार, इस बार पिटना नहीं है तेरे को, पहली बार भी तू जाके पिट गया था इस बार। ओ भाई इस बार तो नाम रख दिया लड़के ने भाई, इस बार तो मार दिया, बहुत ओपी बहुत ओपी। वापस आ जा मेरे शेर,
वापस आ चिमकंडी साले, वापस आ जा, इमोट दिखा रहा है वहाँ पर साला, चिढ़ा रहा है। चलो गाइस अभी 2v2 करने के लिए जाएंगे, मैं और मेरा भाई जाएंगे, ठीक है। हम से मेरा भाई और मैं जाएंगे आलोक की तरफ से, और सामने से वुल्फ्रा के लीडर और वो उसका बंदा आ चुका था। तो अभी गाइस बहुत ही बढ़िया फाइट होने वाली। हिल जाओ भाई, हिल क्यों नहीं रहे, हिल क्यों नहीं रहे, क्या हो गया इसको, दोनों को दे दिया, हाँ दोनों को दे दिया भाई। लोल यार ये नूबड़ा पता नहीं क्यों आ गया था, ये नूबड़ा हमारे साथ क्यों आ रहा था, भाई नूबड़े तेरे को नहीं आना था चिमकंडी। तो चलो गाइस अभी 4v4 की तरफ बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। गाइज अब थी बारी 4v4 करने के, हम थे गाइज आलोक, ठीक है, फैक्ट्री के किंग हम आलोक है, और हमारा जो है नाम यहाँ पर दर्ज है गाइज, हम आलोक की टीम, 3 आलोक है हम और सामने 4 वुल्फ्रा। तो गाइज हम लोग डरने वाले नहीं थे गाइज, क्योंकि आलोक आले बड़े ट्रीटमेंट से मारा चिमकांडी साले, चिमकांडी ट्रीटमेंट से मारता है चिमकांडी, इसको देखो नूबड़े को चिमकांडी, डरपोक साला मेरे पीछे आ रहा है, और मेरे भाई ने गुस्से में जाके सबको मार दिया गाइज ये ट्रीटमेंट से। गाइज हम लोग को बार बार ट्रीटमेंट से जाए, हम लोग को मार रहे थे गाइज ट्रीटमेंट गन से, तो गुस्से में आगे सबको जो मुक्का मार के डाउन कर दिया चिमकांडियों को। तो गाइज लॉल कर दिया गाइज, ज्यादा हीरो बन रहे थे ये लोग, साले मारने मारने आ रहे चिमकांडी साले, ट्रीटमेंट से मारेगा भाई, ट्रीटमेंट से मार रहे, ओ भाई भागो भागो भागो, ट्रीटमेंट से मार रहे यार चिमकांडी साले। चलो गाइस अब फाइट स्टार्ट करते हैं यार। अभी हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके थे गाइस फाइट के लिए, इनके पास तो ट्रीटमेंट गन थी, नूबड़ों के पास, इन्होंने बहुत चीटिंग करी गाइस। एक तो हम लोग को ट्रीटमेंट गन से मारा, ऊपर से गाइस इन्होंने जो इनके डाउन बंदे सबको हील कर दिया था, नीचे से ट्रीटमेंट गन लेके आ चुके थे गाइस ये लोग, ठीक है। तो इनके पास ट्रीटमेंट गन थी, और यहाँ पर जो है फाइट स्टार्ट हो चुकी थी बहुत ही ओपी तरीके से, जो यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुकी थी, मुक्का देने की कोशिश की मैंने, फिर गाइस मैंने सोचा गाइस कुछ खतरनाक किया जाए, क्यों ना कुछ खतरनाक किया जाए। तो गाइस इन्होंने इतनी चीटिंग की थी, तो मैं सोचा नीचे चले जाता हूँ और नीचे गन उठा के रखता हूँ, जब तक ये लोग आएंगे तब तक मैं गन, जो तब तक मेरे सारे बंदे मरने, तब तक गाइस मैं गन वन उठा के रख लेता हूँ, और जैसे ये नीचे आएंगे सबको मार दूंगा। तो गाइस मैं जो है, अब मेरे जो वीर जवान जो ऊपर लड़ रहे थे, ठीक है गाइस, मेरे जो बंदे यार लोग के, हमारे जो दो शेर थे गाइस वो लड़ रहे थे ऊपर उनके साथ, नूबड़ों के साथ। तो गाइस यहाँ पर मेरे को एक के मिल चुकी थी, अब मैं खुश हो गया था कि भाई अब तो ऊपर जाके इनको नीचे बुलाऊंगा। तो ठीक है गाइस मैंने डिस्कॉर्ड पे बोला कि जब ये मर जाए तो भाई नीचे आ जाना, क्योंकि मैं गलती से जो नीचे गिर चुका हूँ, यहीं पर मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर अपना जो एक नूबड़ा, जो नूबड़ा आलोक का जो नूबड़ा मेंबर था वो गाइस वो फाइट कर रहा था, इससे कुछ होने तो वाला नहीं, मेरे को नहीं लग रहा भाई ये कुछ कर पाएगा, मेरे को लग रहा है पिटने वाला है। और मैं भाई बैठा हुआ था चुपचाप एकदम, जैसे ही नीचे आया जैसे उनको मारूंगा चुपचाप एकदम, ठीक है गाइज। तो यहाँ पर जो है बहुत ही ओपी तरीके से फाइट चल रहा था गाइज, और यहाँ पर जो है गाइज एक चिमकांडी जो था नूबड़ा, जो एक्स्ट्रा बंदे के तौर पे हमने लिया था कस्टम स्टार्ट करने के लिए, वो नूबड़ा जो घूम रहा था, और भाई पता नहीं उसको कैसे पता चल गया था कि आप लोग फैक्ट्री पे है, अभी देखना गाइज क्या होता है लॉल। तो इन्होंने जैसे ही मारा तो मैंने बोला भाई मैं नीचे हूँ, नीचे आ जाओ जल्दी से, और जैसे ही ये कूदे भाई वैसे मैंने मारना शुरू किया, एक को हेडशॉट दिया भाई, डाउन डाउन डाउन, दो बंदे डाउन गाइज। और यहाँ पर जो है उतने में गाइज ये नूब चिमकांडी पता नहीं कहाँ से ये चड्डी चोर चिमकांडी आ गया गाइज, बाहर से आया भाई ये बंदा, ठीक है, जो ये बाहर से बंदा आया इसने गाइस सबको डाउन कर दिया, सारे वुल्फ्रा को जो है यहाँ पर इसने डाउन कर दिया था गाइस, ठीक है। इसकी भी हेल्थ कम बची थी, नूबड़े की चिमकांडी पता नहीं कहाँ से आया पूरा वीडियो खराब कर दिया, और गाइस इसने सारे के सारे वुल्फ्रा को यहाँ पर खत्म कर दिया गाइस, और ना वुल्फ्रा जीत पाए ना आलोक जीत पाए। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, सबके सब बंदे दोस्तों शेयर कर दो गाइस सबके सब बंदे।